हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय और आज हम आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आए हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। काफ़ी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर, ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पर, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। ये फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा के अंदर है, ग्रुप बी पोस्ट। जैसे कि आपकी हरियाणा सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती है, उस लेवल की ये पोस्ट है। तो अच्छी पोस्ट है, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 24/2022। तो अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी सुधार हो चुका है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से ही लोग सीखते हैं। जिस तरह से इन्होंने अपने नेबर जो स्टेट्स हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उनसे सीखा है कि धीरे धीरे पेपर लेते रहो स्टूडेंट्स से। जैसे कि अभी एचसीएस हुआ है, अभी एचपीएससी के पहले जुडिशरी का एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो है और एग्जाम्स हुए थे, फिर अभी ये पोस्ट निकाल दी। पहले क्या होता था, आज से 3 से 4 साल पहले क्या करते थे, ये एक साथ मतलब एक ही महीने के अंदर सारी पोस्ट निकाल देते थे जो भी थे, अदरवाइज पूरा साल 2 साल ये चुप रहते थे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं करते थे। तो अब सुधार है थोड़ा सा, धीरे धीरे रिक्रूटमेंट होती रहती है, स्टूडेंट्स भी अपना लगे रहते हैं तैयारी में, बच्चों का भी फ्लो बना रहता है, और कहीं ना कहीं आप ये देख लीजिए कि टाइम वेस्ट भी हो रहा है। पहले क्या होता था कि एक ही महीने में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये एग्जाम लिया, उसके बाद इंटरव्यू लिया, चलो इसके अंदर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बच्चा अपनी प्राइवेट जॉब भी कर सकता था। तो दोनों ही चीजें, हर चीज का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। चलिए आज का नोटिफिकेशन जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है, डेट ऑफ पब्लिकेशन 3/9/2022, मतलब जिस दिन ये लेक्चर बना रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उस दिन ये नोटिफिकेशन आया है। ओपनिंग डेट कब की है, 7/9/2022, आप जो इसके फॉर्म भर सकते हैं, और क्लोजिंग डेट जो है 27/9/2022। सबसे अच्छी बात क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं है। जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है कि अभी तक जो नोटिफिकेशन के अंदर नोटिफाई किया गया, कोई एग्जाम नहीं है। अगर बहुत ज्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो शायद एग्जाम होगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको जो है सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई हैं, आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए कि अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो ही आपको जो है फॉर्म भरना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म नहीं भरना चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, तो भाई ये वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, hpsc.government.in/en-us/. तो इसके बाद आप लोग ये फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी तरह से फॉर्म नहीं भर सकते। इसकी लास्ट डेट 27/9 है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, द एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड विल बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट स्लैश रिटन टेस्ट इफ एनी। अगर कोई रिक्रूटमेंट या रिटन टेस्ट होगा तो एडमिट कार्ड आपको जारी किए जाएंगे ई एडमिट कार्ड, अदरवाइज आपको सिर्फ इंटरव्यू के एडमिट कार्ड ही जारी किए जाएंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ओनली इंटरव्यू के एडमिट कार्ड ही आपको जारी किए जाएंगे, आपको कोई भी जो एडमिट कार्ड है पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। आपको पता है शायद, जो भी नए बच्चे, इनको नहीं पता होगा, पहले क्या होता था 2013 से पहले, 2013 या 2014 से पहले जो एडमिट कार्ड थे वो बाय पोस्ट भेजे जाते थे। शायद नए बच्चों को तो नहीं पता होगा जो अभी जिन्होंने ग्रेजुएशन 2014 या 15 के बाद की है, कि एडमिट कार्ड ये क्यों लिखा होता है कि पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि पहले बाय पोस्ट आते थे एडमिट कार्ड, इस तरह से डाउनलोड नहीं होते थे। अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो ये नंबर दे रखे हैं, ये सारे नंबर हैं, आप इन नंबर का प्रयोग कर सकते हैं 9 से 5 बजे तक, सॉरी 6 बजे तक, 9 से 6 बजे तक आप लोग ये नंबर को है यूज कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी है, इस पर भी आप लोग ईमेल करके जो आपकी जो भी डाउट और क्वेरीज हो पूछ सकते हैं। कितनी पोस्ट है टोटल, 41 पोस्ट है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की, ग्रुप बी है। जनरल के लिए 26 वैकेंसीज हैं, एससी के लिए 8, बीसीए के लिए 4, बीसीबी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, तो टोटल ये 41 वैकेंसीज है यहाँ पर, ये ध्यान रख लो। और एक और चीज है जो स्टूडेंट्स के शायद काफी मन में डाउट रहता है कि मान लो किसी ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के नंबर ज्यादा आ गए, अगर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उसने अप्लाई कर दिया, पोस्ट तो यहाँ पर 2 है, तो फिर वो क्या करेगा। तो भाई अगर ईडब्ल्यूएस में मान लो 4 बच्चों के नंबर ज्यादा आ गए और ईडब्ल्यूएस में पोस्ट 2 है, तो भाई अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के बराबर है या इनसे ज्यादा है तो आपको जनरल की पोस्ट मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना, स्टूडेंट्स काफी होते हैं ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स होते हैं, वो ईडब्ल्यूएस में अप्लाई ही नहीं करते डर के मारे कि 2 ही पोस्ट है, तो अगर नहीं हुआ मेरा 2 में तो फिर क्या होगा। ऐसा नहीं है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जनरल कैटेगरी का आपको मिल जाएगा। मान लो एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ कि 100 नंबर का इंटरव्यू है, जनरल की कट ऑफ चली गई 80, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह गई यहाँ पर 60। अब यहाँ पर 2 स्टूडेंट हैं जिनके 70-70 मार्क्स, यहाँ पर इनके ईडब्ल्यूएस के 2 स्टूडेंट हैं जिनके 70-70 मार्क्स हैं, एक यहाँ पर स्टूडेंट है जिसके 90 मार्क्स हैं।
सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर मान लो दो स्टूडेंट हैं यहाँ पर जिनके 90-90 मार्क्स है, पर वो ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं लेकिन उनके 90-90 मार्क्स आए हुए हैं इंटरव्यू में, तो भाई ये दोनों स्टूडेंट्स जनरल से भी ऊपर चले गए हैं, तो इनको जनरल की पोस्ट मिल जाएगी, और ईडब्ल्यूएस के लिए जिनकी कट ऑफ 60 से नीचे है वही दो कैंडिडेट रखे जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, ये डिपार्टमेंटल कार्य इस तरह से होते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है भाई, क्वालिफिकेशन ध्यान से देख लेना, इसी के बिहाफ पे फॉर्म भरना है, अदरवाइज फॉर्म भरने की आपको जरूरत नहीं है। भाई आपके पास डिग्री होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी में, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी में, या बायो टेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी के अंदर हो सकती है, एग्रीकल्चर साइंस के अंदर हो सकती है, वेटरनरी साइंस के अंदर हो सकती है, बायो केमिस्ट्री के अंदर हो सकती है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हो सकती है, मास्टर डिग्री हो सकती है केमिस्ट्री में, मेडिसिन की डिग्री हो सकती है जिसको कि एमडी बोलते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी डिग्री है आपके पास तो आप लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ एक और छोटी सी कंडीशन है कि आपको हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, या तो 10th में या फिर किसी हायर एजुकेशन के अंदर आपका एक पार्ट होना चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन आप सबके लिए नहीं है, अगर आप लोग ये दो क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तीसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप ये जो क्वालिफिकेशन है 1 और 2 फुलफिल करते हैं, उसके बाद आप इंटरव्यू क्लियर करके आपको जो है ये फूड अथॉरिटी से जो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो ये आपकी एक ट्रेनिंग होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग है ये, तो आपको ये करनी पड़ेगी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए, खुद ब खुद वो करवाएंगे आपको। और इसके बाद एक सबसे और बड़ी चीज क्या है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, फीस। ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस कितनी है, 1,000 रुपीज। मेल कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं वो भी यहाँ पर 1,000 है। हाँ एक और चीज बताना भूल गया मैं आपको, आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कहीं से भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस 1,000 रहेगी मेल कैंडिडेट्स के लिए जो जनरल कैटेगरी में है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएसएम और रिजर्व कैटेगरी जितनी भी हैं उनके लिए 250 रुपये फीस है। मेल फीमेल बीसीबी के लिए 250 रुपये फीस है, बीसीए, बीसीबी, एससी सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है यहाँ पर, और अगर जनरल की कोई फीमेल है तो उसके भी 250 रुपये फीस है यहाँ पर, और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई यहाँ पर फीस नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये प्रावधान है, ओनली इंटरव्यू है, ध्यान रख लेना। लास्ट में आपको बता चुका हूँ, इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है, अगर मान लो आपको फिर भी कोई ना कोई डाउट स्टूडेंट का रह जाता है, तो भाई यहाँ पर एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, फोन नंबर दिए गए स्क्रीन पे, ये नंबर दिए हुए हैं, 9310611990, एक तो ये, 8595750947, 7048936810, या फिर hpscrecruitment@registernow.government.now.in पर आप लोग जो है ईमेल भी कर सकते हैं। अब इसमें ईमेल करके भी डाउट पता कर सकते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर जो इंटरव्यू होगा वो किसके रिगार्डिंग रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो दिया नहीं हुआ। स्टूडेंट्स इंटरव्यू जो है आपका, एक तो जनरल आपको जो करंट अफेयर रहते हैं, करंट अफेयर मतलब ये नहीं कि आप लोग अब 2-2 साल की किताबें उठा के बैठ जाएं पढ़ने, नहीं, न्यूज़पेपर फॉलो करो, जस्ट न्यूज़पेपर फॉलो करो कि न्यूज के अंदर क्या चल रहा है, और उसके न्यूज़पेपर के अंदर जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी कुछ आ रहा है FSSAI के बारे में, इसके बारे में पढ़ लेना, फूड स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ लेना, या फिर आपने जो आपकी डिग्री की हुई है उस डिग्री के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ये आपका इंटरव्यू रहेगा। और इसके अलावा अगर कोई इंटरव्यू के नजदीक जाके कोई और इंफॉर्मेशन आती है, या फिर थोड़े दिन बाद कोई और नोटिफिकेशन आता है, तो आपको हमारे स्टडी मास्टर चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर ये फोन नंबर दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, किसी जरूरतमंद को भेज दीजिए, कोई आपका दोस्त भाई बंधु अगर उसके पास इन सभी डिग्री में से कोई डिग्री दी गई है तो उसके पास है, तो वो ये फॉर्म अप्लाई जरूर करें। चलिए, और बहुत सारी वीडियोस के लिए, स्टडी ग्रुप्स के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वो ज्वाइन कर लेना, उससे आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाता है। धन्यवाद।